फतेहगढ़ साहिब में एसजीपीसी द्वारा आज एक मीटिंग की गई, जिसमें यह फैसला लिया गया कि ज्ञानी बलवंत सिंह को जथेदार के ओहदे से सेवा मुक्त कर दिया जाए। इस मौके पर एसजीपीसी प्रधान अवतार सिंह मक्कड़ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ज्ञानी बलवंत सिंह पर लगे दोषों के लिए एक 5 मेंबरी कमेटी बनाई गई है, जो पूरे प्रकरण की बारीकी से जांच करेगी। इसी के साथ नानकशाही कैलेंडर पर बोलते हुए मक्कड़ ने कहा कि इसको लागू करना है या नहीं, इस पर अभी कोई फैसला नहीं किया गया है। मीटिंग में तख्तों के जथेदारों के लिए कुछ नए नियम व उम्र निश्चित की गई है। तख्त श्री दमदमा साहब के जथेदार सिंह साहब ज्ञानी बलवंत सिंह नंदगढ़ नूं पिछले समय दौरान तख्तों के विच वाद विवाद खड़ा करन लई मर्यादा नूं पंज प्यारियां नूं धन्नवादन करन लई सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का सत्कार ना करन संबंधी जिहड़ा नगर कीर्तन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के आगमन पुरब के संबंध में कढ़िया गया है, और होर भी कई ऐसा घटनावां घटदियां रही पिछले 3-4-5 साल तो जिन्हों अज की अंतरंग कमेटी की मीटिंग में विचार करके पूरी दीर्घ विचार करके उन्होंने अज उतों बतौर जथेदार तो तख्त दमदमा साहब बतौर जथेदार तो सेवा मुक्त किया जाता। उन्हां दा चार्ज अडिशनल चार्ज समझ गया ना, अडिशनल चार्ज सिंह साहब ज्ञानी गुरमुख सिंह जी हेड ग्रंथी श्री अकाल तख्त साहब नूं अडिशनल चार्ज दिता जा रहा। इंडिया 24 के लिए फतेहगढ़ से जसपाल जस्सल की रिपोर्ट।